टेंथ क्लास हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 14.1। मैंने आपको मीन निकालना सिखाया था। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, तो हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड की जब बात करती हूँ तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप निकालिए समीशन ऑफ एफ आई, इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, फिर बारी आती है एक्स आई निकालने की। एक्स आई कैसे निकलता है, यू नो वेरी वेल, जो आपकी लिमिट्स हैं। ठीक है, आपकी लोअर लिमिट 65 और उसके बाद जो अपर लिमिट है वो आपकी कितनी है, 68 है। तो इन लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको निकालना है हर किसी का। जैसे लोअर लिमिट 65, नेक्स्ट इज 68, ऐड किया इनको, 8 और 5 13, 1 कैरी 6 6 12 12 प्लस 1 13, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए कितना हो गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, ये 1 बच गया, 2 6 जा फिर से 12, 1 बच गया 5। तो ये हमारे यहाँ पर लिमिट कितनी आ गई, 66.5 आ गई। क्लियर है आपको इतना। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यू आई निकालना है। यू आई निकालने से बेटा सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी एक को ए अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने ये ए को कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जब ए हमने कंसिडर कर लिया है तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स आई माइनस ए, क्लास हाइट आपको पता होगी कितना डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, तो एच हमारा कितना है, एच की वैल्यू अपनी राइट डाउन कर लीजिए, एच इज़ इक्वल टू 3 है, राइट डाउन कर लिया, एच इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स 66.5 माइनस 75.5, देखिए कितना हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करें आप, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें यहाँ से कितना आएगा। तो सब्ट्रैक्ट मैंने इसमें से किया, 75 में से 66 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, और 9 को मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया। नेक्स्ट हमारा कितना आया है, -2 आया है, नेक्स्ट उससे -1 आया है, फिर ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। इससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, एफ आई इंटू यू आई करना। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 × 2 कितना हो गया, यहाँ से -6 हो गया, 4 × 2 -8 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया, 8 की 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और 7 की 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 हो गया, 4 × 8 हो गया, 3 × 6 हो गया। यहाँ से हम ऐड करें तो ये कितना हो गया, 7 8 15, 15 + 6 कितना हो गया, 21 है। यहाँ से देखते हैं 6 और 8 14, 14 और 3 कितना हो गया, -17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ये देखिए 21 + -17, तो 21 - 17 ये कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ये मैंने आपका फॉर्मूला राइट डाउन कर रखा है, फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए फॉर्मूला आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ये है समीशन ऑफ एफ आई यू आई, 4 है, ये 3 है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 3 हो गया। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई यहाँ से हमारा कितना आया था, 30 आया था, एच की वैल्यू हमारी 3 थी। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 30, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 × 4 ये हो गया 5। यहाँ से देखेंगे 75.5 + यहाँ इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना आ गया, 2/5 आ गया, ये हो गया। यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये हो गया 0.4, और यहाँ से मैं निकालूँ तो ये हो गया ये। ठीक है, हैंस द जो मीन हर्ट
बीट इसने पूछी थी, मीन हर्ट बीट पर मिनट ऑफ गिवन वुमेन इज 75.9 हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है? फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, ये दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मैंगोस, नंबर ऑफ फॉक्सेस, एक्स आई मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, एक्स आई मतलब आप समझते हैं दोनों को ऐड किया। ठीक है, एक इसमें भी मैं स्टार्टिंग में आपको निकालना दिखा देती हूँ, एक्स आई दोनों को ऐड किया, 50 + 52 और 2 से इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हम देखें कितना आएगा, 102 विच इज़ डिवाइडेड बाय दिस इज़ इक्वल टू 51। इस तरीके से मैंने निकाला, नेक्स्ट भी मैंने ऐसे ही निकाला है, 53 + 55 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, 5 + 3 8 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, ये हो गया। यहाँ से हम देखें तो 2 × 5 = 4 = 54 आ गया, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू आई फाइंड आउट करना है। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए क्लास हाइट कितना डिफरेंस है बेटा, हर बार हर किसी में कितना डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है, तो हम यहाँ से हाइट कितनी लिख देंगे अपनी, 2 लिख देंगे, क्लियर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर यू आई निकालते हैं बेटा, किसी एक को ए कंसीडर कर लीजिए, लाइक एज मैंने यहाँ पे 57 को ए कंसीडर किया, एक्स आई माइनस ए दैट मीन्स 51 - 57 कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया, 6 - 6 आ गया, -6 इज़ डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 2 निकाली थी, तो अब देखिए यहाँ से ये कितना बचा था, -6 बचा था, -6 को मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एच हमारा एक्चुअली यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो देखिए -6 को मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, ये हो गया -2, ये -1, ये हमारा 0 और ये हमारा 1 और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, आप सभी वैल्यूज़ ऐसे ही निकाल लेना। अब यहाँ से हम देखेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई की मल्टीप्लिकेशन यू आई से करनी है, एफ आई कितना है मेरा, ये फ्रिक्वेंसी मुझे गिवन है। ठीक है, तो एफ आई की मल्टीप्लिकेशन यू आई से करनी है, दैट मीन्स 15 × 2 = कितना हो गया, यहाँ से 30 हो गया, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की, ये 110 हो गया, ये इसके मल्टीप्लाई किया 0 और ये 115 हो गया, 25 × 2 = 50 हो गया। ठीक है, प्लस वाले इकट्ठे कर लीजिए, 6 = 165 हो गया, ये ऐड किया तो -140 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, 60, ये हो गया यहाँ से 25। अब हम फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं मीन निकालने का, किसी भी मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं, मैंने आपको कल 3 मेथड सिखाए थे, तीनों मेथड में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है यहाँ से ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई विच इज़ डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एच। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये मैंने कंसिडर की थी 57 और एफ आई यू आई कितना आया था 25 एंड समेशन ऑफ एफ आई ये कंप्लीट को ऐड किया था तो कितना हो गया 400। इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, 3 गिवन है, तो देखिए ये मैंने 3 मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो लिख दीजिए 57 25, ये कैंसिल हो रहा है, 5 × 5 = 5 8 = ठीक है, और फिर उसके बाद 5 बन जा, ये हो गया 16, तो ये हमारे पास 50 कितना आ गया ऊपर, 3/16 आ गया। पॉइंट में निकाल लीजिए इसे, पॉइंट में निकालूंगी तो ये मेरा कितना हो गया 57 + 0.19 और ये देखूँ तो कितना आ गया 57.19 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना, ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। देखिए
क्लास मार्क निकालते हैं। सबसे पहले क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क यहाँ पर नहीं समझ आया तो देखिए, फर्स्ट प्लस सेकंड लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। कितना हो गया? 250 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 125। यहाँ मैंने लिख दिया 125। नेक्स्ट में मैंने क्या लिखना है? 175। उससे नेक्स्ट मेरा 225। उससे नेक्स्ट मेरा 275। और नेक्स्ट उससे 325। क्लियर टू यू? एक्स आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फ्रिक्वेंसी को एफ आई से। अब उसके बाद यहाँ से हम करेंगे, कीजिए अपना, चलिए इसे हम एज्यूम्ड मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई माइनस ए, ए आपने क्या सपोज किया? 225 को सपोज कर लिया, तो ए की जगह पर 225 लिख दीजिए। यहाँ से 125 में से 225 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? माइनस 100। यहाँ से देखिए 175 में से 225, तो कितना बचा है यहाँ पर? माइनस 50। दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ 100। देखिए आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको ये लगे कि डायरेक्ट मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, वो एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है, पेपर में मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आपका मन करे किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ निकालिए एफ आई इंटू डी आई, एफ आई की मल्टीप्लिकेशन डी आई से करेंगे। ये माइनस 400 हो गया, ये 250 हो गया। जीरो की मल्टीप्लाई 12 से किया, जीरो। टू की मल्टीप्लाई 50 से किया, 100। इंटू की मल्टीप्लाई 100 से किया, 200 हो गया। समीशन निकालिए, समीशन ऑफ एफ आई डी आई किसके इक्वल हो गया? ये देखिए, ये 300 हो गया, ये माइनस की 650 हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस का 350। इन दोनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टेप, अब मैं कौन सा एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई एंड सम ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी? 225 थी। ये कितना हो गया? माइनस 350। और ये मैंने कितना निकाल रखा है? 25 निकाल रखा है। डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड करूँगी 20, 5 जा 7, 5 बन जा 20 बच गया 4, ये हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ से 225 में से माइनस 14 विच इज इक्वल टू 211, ठीक है, हैंस द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज रेट 211 रुपीस। क्लियर हो गया आपको? ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको कंसंट्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी दोनों गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूँगी एक्स आई, एक्स आई निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया? 0.22, 0.06 आ गया, 0.01 आ गया, 0.14, 0.18 एंड 0.22, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकालूँगी यू आई, यू आई क्या होता है मेरा? एक्स आई माइनस ए विच इज़ डिवाइडेड बाई एच। ए मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ किसी एक को, सॉरी ये 10 था, 1 नहीं था, ए मैंने कंसिडर कर लिया, इसी को कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। ए ये है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और एच से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये माइनस 0.,  कितना आ जाएगा? माइनस 2, ये माइनस 1 और सामने वाला 0, 1
टू थ्री। देखिए एक यू आई से मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ई इट इज़ डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.02 है। ए की वैल्यू ये मैंने कंसिडर की है, ये हो गई मेरी 0.10, ठीक है। एच डिवाइडेड एच कितना है मेरा यहाँ पर, 0.04 है। क्लियर हो गया आपको इतना, तो यहाँ से आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात करिए एफ आई इंटू यू आई की, बात करते हैं एफ आई की मल्टीप्लीकेशन यू आई से कीजिए। ये इसकी मल्टीप्लाई किया माइनस एट, नौ की मल्टीप्लाई माइनस वन से की माइनस नाइन, नाइन की मल्टीप्लीकेशन जीरो से जीरो, टू इंटू वन टू हो गया, फोर टू ज़ा एट हो गया, टू थ्री ज़ा यहाँ से सिक्स हो गया, ये कितना हो गया, आठ टू दस और छः सोलह हो गया, ये हो गया माइनस सत्रह। तो यहाँ से हम देखें तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस वन आ गया। ये मैंने स्टेप डिविएशन मेथड लिखा है, तो लिखिए यहाँ पर by using step deviation method। step deviation method मेरा क्या है, x is equal to a plus summation of f i u i summation of f i it is multiplied by h, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी है, 0.10 प्लस समीशन ऑफ माइनस वन, समीशन ऑफ एफ आई कितना है 30 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 0.04। अब आपको इसे सोल्व करना है, ये हो गया हमारा यहाँ से 1/30 एंड 4 इट कैन बी रिटन एज 4/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0.10 मेरा था, ठीक है, ये मेरा माइनस 4/3 एंड इट मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं, 0.10 प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है, यहाँ से इसको देखूँ तो 3 1 3 10 बच गए, 3 3 ऐसा कुछ आएगा और एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 1000, तो ये पीछे चला गया 0.10 माइनस 0.3 स्थान बाद 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लगा दीजिए 0.91 समथिंग आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। जो भी आपको गिवन है उसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ना क्लास इंटरवल में कोई एक जैसी हाइट है, यहाँ पे 4-6 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, 0 + 6 कितना हो गया, 6 6 डिवाइडेड बाई ये 3 आ गया, ये कितना आएगा यहाँ से 8 आ गया, ये 12 और ये कितना आएगा हमारा 14 + 24 कितना हो गया 30 34 हो गया, 34 का आधा 17 हो गया, 28 और 20 को ऐड करेंगे तो 38 48 का आधा 24, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ से 33 और ये 39 हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, 11 3 = 33 होता है, देखो ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन करके, 10 8 = 80 होता है, 12 7 = 84 होता है, 7 4 = 68 होता है, 24 4 = 96 होता है, 33 3 = कितना होता है 99 एंड 39 की से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 39 हो गया। सम निकालिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो गया, 449 हो गया। अब मीन की बात करते हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकालूंगी तो कैसे निकालना है हमें, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, देखिए कितना हो जाएगा 499 इट इज़ डिवाइडेड बाय 40, ठीक है।
एक स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए, ये मैंने लगा दिया। यहाँ से डिवीज़न कीजिए, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, उन्नीस बच गया, फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री बच गया, ठीक है, तो फोर एट जा नियर अप्रोक्स, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रहता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करते हैं, कितनी है, 55, 65, 75, 85, 95। नंबर ऑफ सिटीज गिवन है, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कितना है, ये 3 है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है, और फिर 8, 3, इन सभी को जोड़ते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। 10 3 13, 13 में 11 ऐड किया, कितना हो गया, 24, 24 में यदि 11 ऐड करूँ तो बेटा कितना हो गया, 35 हो गया। अब हम एक्स आई निकालते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके क्लास इंटरवल्स थे, इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ, 100, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहाँ से ये 50 आ गया, नेक्स्ट में 60, नेक्स्ट में 70, फिर 80 एंड देन आफ्टर 90 आ गया। अब यहाँ से मैं करूँगी कौन से तरीके से, हम कर लेते हैं यहाँ पर एसूम्ड मीन मेथड से, DI निकाल लेते हैं। DI क्या होती है, एक्स आई माइनस ए होती है, ए मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो ए जब मैंने इसको कंसिडर किया तो एक्स आई माइनस ए कितना बचा, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, ठीक है। अब देखिए एफ आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 16, 10 10 जा 100, 11 के 0 से किया 0 हो गया, 8 के से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, और ये 16, इन दोनों को ऐड किया 140, और यहाँ से माइनस 160, टोटल एफ आई डी आई निकाला मैंने तो कितना आया, माइनस 20 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखिए, बाय यूजिंग अस्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई, ए की वैल्यू मैं देखती हूँ 70, एफ आई डी आई माइनस 20/35, 5 4 7 70 प्लस माइनस माइनस 4/7, इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं एक बार, 70, 0.75 5 35, 5 बच गया 50, और यहाँ से 7 सब्ट्रैक्ट करके लिखूँगी तो ये कितना आ गया, 69+43%। यहाँ पर देखिए लिख दीजिए, हैंस द मेन लिटरेसी रेट ऑफ द सिटीज इज, क्लियर हो गया आपको, ओके।